हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हूँ मैं लॉस सैंटोस सिटी में और मैं आया हूँ अपने ऑफिस वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे। तो हम देखने वाले हैं हमें यहाँ कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का व्यू। तो बिल्डिंग के टॉप से व्यू काफ़ी अच्छा आता है और क्योंकि मेरे पास अभी हेलीकॉप्टर नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी लेने वाला हूँ, तो मैं उससे भी आपको पूरी सिटी का व्यू दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए भी बिल्डिंग से ही काम चलाते हैं। तो ये रही हमारी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर और आप लोग देख सकते हो यार कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। वो देखो वो बड़ी वाली ब्रिज है वहाँ पे, और वो रहा डॉक्स, नहीं वो एयरपोर्ट है उधर, और उस तरफ है मेरा व्हीकल वेयर हाउस। तो उस तरफ है मेरा व्हीकल वेयर हाउस और वहीं पे डॉक्स भी है, और ये रहा मेरा अपार्टमेंट। मैं कैमरा को फर्स्ट पर्सन में कर देता हूँ जिससे कि व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिले। तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पूरा प्लेस, देखो आप यहाँ पे भी लोग अपार्टमेंट लेते हैं, और वो वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हो उसमें भी लोग अपार्टमेंट लेते हैं। मेरे कई दोस्तों ने वहाँ पे अपार्टमेंट लेके रखा हुआ है, और ये वाली बिल्डिंग भी अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है। और अभी जो आप बिल्डिंग देख रहे हो इसमें मैंने अपार्टमेंट लिया है, और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि मेरा अपार्टमेंट कैसा दिखता है। और यार अपार्टमेंट से मुझे याद आया कि आप लोगों को मुझे अपना गैराज दिखाना था, क्योंकि यार गैराज में मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग व्हीकल्स रखी हैं और ये मैंने रिसेंटली परचेज की हैं। तो अब चलते हैं मेरे गैराज में और देखते हैं मैंने कौन कौन सी न्यू व्हीकल्स को लिया है। तो मेरा गैराज है उस जगह पे जहाँ पे रेड वाली कार है और वाइट वाली कार है, यहीं पे है मेरा गैराज। तो मैं आ चुका हूँ अपने बिल्डिंग के नीचे और अब मैं चलता हूँ अपने गैराज में। तो मेरा गैराज बहुत पास ही में है, बिल्कुल दूर नहीं है यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको टॉप से भी दिखाया था। तो ये रहा मेरा गैराज। तो अब चलते हैं अंदर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितनी सारी कार्स आ गई हैं, और ये रही मेरी सबसे पहली कार जो मैंने आपको दिखाया भी था, और इस वाली को मैंने अभी अभी खरीदा है, ये मुझे कसिनो से मिल गई थी। और ये जो आप देख रहे हो इसे मैंने चुराया है, और लेफ्ट साइड में जो आप कार्स देख रहे हो इन सारी कार्स को मैंने खरीदा है अपने पैसों से, क्योंकि मुझे मसल कार्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो मैंने इन सारी कार्स को ख़रीदा और इन्हें मॉडिफाई कराया है। तो सबसे पहले आपको इस वाली कार को दिखाता हूँ मैं, जिसका नाम है एल्बेनी। उसके बाद दोस्तों है मेरे पास ये बहुत ही स्पेशल कार, और इस कार का नाम है सेबर टर्बो। और यार मैंने इसे स्पेशल इसलिए बोला क्योंकि अगर आप लोगों ने सैन एंड्रियास खेला होगा तो आपको पता होगा कि उसमें एक ग्रीन सेबर रहती है जो कि कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ कि GTA सैन एंड्रियास में एक ग्रीन सेबर कार रहती है जिसमें कुछ बालाज गैंग के मेम्बर्स आते हैं और सीजे की मदर को मार देते हैं, तो इसलिए मैंने ग्रीन सेबर कार रखी है जो कि काफ़ी कूल लग रही है। तो अब देखते हैं मेरी नेक्स्ट कार को, जो कि फिर से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये राइडर की कार है। अगर आप लोगों ने GTA सैन एंड्रियास खेला होगा तो आपको पता होगा राइडर कौन है, अगर नहीं पता है तो अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है राइडर। और ये मेरा फेवरेट गेम कैरेक्टर हुआ करता था जब मैं GTA सैन एंड्रियास खेलता था तो, और उसकी कार भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, बिल्कुल मसल कार थी वो, और उसका साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। तो इसीलिए मैंने GTA ऑनलाइन में भी इसे ख़रीद लिया है, और सेम टू सेम वैसा ही पेंट है लेकिन ये बिल्कुल न्यू है, और इसे अंदर से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करा दिया है जिससे कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिल जाता है। उसके बाद मेरे पास है एक और मसल कार जिसे मैंने चोरी किया था रिसेंटली, और इस वाली कार के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये किसी के घर में थी, बिल्कुल मॉडिफाइड, बस ऐसा पेंट जॉब नहीं था इसमें, और इसे मैंने चोरी कर लिया और फिर इंश्योरेंस करा लिया जिससे कि ये कार मेरी हो गई। और मिस्टर बीन की कार को तो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दिखाया ही था, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों है मेरे पास फ्रैंकलिन की कार, और फ्रैंकलिन की कार मैंने इसलिए परचेज की है ताकि मैं इसको फिर से मॉडिफाई करूँ और फ्रैंकलिन की कार को एक न्यू लुक दूँ,
तो इसकी भी वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी चैनल पे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और उसके बाद इस वाली कार को तो मैंने आपको दिखाया ही था, और ये नई कार ऐड हुई है मेरे गैराज में। और अगर आप लोग पूछोगे कि ये कार मेरे पास कैसे आई, और ये कार भी किसी के घर में रखी हुई थी, मैंने वहाँ से उठा लिया इस कार को और इंश्योरेंस करा लिया, तो ये कार भी मुझे रोड पे मिली थी जिसे मैंने मॉडिफाई करा लिया। तो अब चलते हैं मेरी फेवरेट कार के पास जो कि है एल्बेनी। और यार इस कार का साउंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे गेम के किसी भी कार से, और एक बार मैं आपको टेस्ट ड्राइव लेके दिखा भी देता हूँ कि इसका साउंड कैसा आता है। और यार हैंडलिंग और ब्रेकिंग की बात करें तो इस कार को मानना पड़ेगा कि इसमें बहुत आगे है। और ये कार ऑफ रोड को भी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती है, और स्पीड भी काफ़ी सही है इस कार की। और यार एक बार आप कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसमें मैंने एक स्पेशल पेंट करवाया है जो कि मैं फ्रैंकलिन की कार में भी करवाऊंगा, तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस पेंट को कैसे कराया, तो उस वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। काफी सही लग रही है यार ये वाली कार, और यार अभी तक तो ये मेरी फेवरेट है मसल कार्स में। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन सेवर, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा राइडर की कार। तो अब इसे गैराज में वापस लेके चलते हैं। तो इसका टेस्ट ड्राइव हम लोगों ने कर लिया है, अब मैं लेके चलता हूं ग्रीन सेबर को। और यार मैं आपको बताना भूल गया, मैंने 5 कार्स में स्पेशल पेंट करवाया है जो कि 4 मसल कार्स हैं जो कि राइट में आप लोग देख सकते हो, इन सब में स्पेशल पेंट कराया है मैंने। और ये पर्पल मिडनाइट पर्पल है, ये भी अगर आप डे लाइट में लेके जाओगे तो ये शाइन करता है काफ़ी अच्छा, जैसा कि अभी रेड वाली कार कर रही थी। और राइडर की कार को तो देखो आप लोग एक बार कितना अच्छा शाइन आ रहा है इसमें, ये बहुत ही औसम लगता है ये वाला कलर। रिम्स भी मैंने सारी कार्स के चेंज करा दिए हैं, और ये ग्रीन सेवर में भी देखो आप लोग स्पेशल पेंट कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन प्लस येलोविश का फील आता है इसमें। और इसके बाद मैंने ब्लू वाली कार में स्पेशल पेंट कराया है, इसमें भी आप लोग देखो एक पर्पल जैसा रिफ्लेक्शन आता है, ये देखो ऊपर में आया अभी। तो अब मैं लेके चलता हूँ ग्रीन सेवर को बाहर, और इसे टेस्ट करते हैं एक बार कैसा परफॉर्म करती है ये। तो यार इस कार का एक्सेलरेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और अगर बात करें हैंडलिंग की, तो अभी तक तो मैंने जितनी भी मसल कार देखी हैं उनमें हैंडलिंग काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन इस कार में तो बिल्कुल ही अच्छी है। तो अब मैं इसे लेके चलता हूँ अपने गैराज में वापस, और हम निकालेंगे राइडर की कार और उसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करती है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये जम्प्स को सहती है दोस्तों, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे कि ये रोल नहीं होती है। बिल्कुल स्टेबल रहती है ये। तो इसे ला दिया हमने अंदर, थोड़ी सी डैमेज हो गई है ये, लेकिन कोई बात नहीं, इसे मेरा मैकेनिक बिल्कुल फिक्स कर देगा जिससे कि ये बिल्कुल न्यू हो जाएगी। तो शायद मेरे मैकेनिक ने इसे फिक्स कर दिया होगा,
तो शायद ये फिक्स हो गई है। तो अब चलते हैं राइडर की कार में, और यार आप लोग देख सकते हो इसका पेंट कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अब मैं इसे लेके चलता हूँ बाहर, और यार इसका साउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग सुन सकते हो जैसा GTA San Andreas में रहता था बिल्कुल वैसा, सेम टू सेम साउंड है ये। और यार कार मानना पड़ेगा, जितनी भी मसल कार्स हैं GTA Online में वो सारी बिल्कुल बेस्ट हैं, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी रहती है इन कार्स में, और अगर हम इंजन अपग्रेड करा दें तो ये कार किसी भी कार को आराम से बीट कर देंगी। मैं सुपर कार्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्टैंडर्ड रेंज कार्स की बात कर रहा हूँ, जो कि दिखने में ठीक ठाक रहती हैं और परफॉर्मेंस भी ठीक ही दे देती हैं, लेकिन उन कार्स को ये कार्स बीट कर देंगी। तो इसे भी मैं लेके चलता हूँ वापस अपने गैराज में, एक बार मैं उतर के आप लोगों को इसका रिफ्लेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखो आप लोग कितना कूल लग रहा है ये रिफ्लेक्शन। तो हाँ यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।